अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन। अब बताइए चिपको आंदोलन के प्रणेता किने कहते हैं, बताइए चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहते हैं बाबू। देखो चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ये सुंदरलाल बहुगुणा या चिपको आंदोलन क्या है पहले ये बताइए। देखो उत्तराखंड की जो महिलाएं थी ना वो पेड़ से चिपक कर अपनी जान देने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो जान रही थी ये पेड़ पौधे ही जीवन है। ऐसा सोचिए आज ज्यादा बारिश नहीं होती है, ज्यादा बादल नहीं लगते, इसके पीछे का रीजन क्या है? आज ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैल रही है, ज्यादा मात्रा में अम्ल वर्षाएं हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? वो है पेड़ पौधा की कटाई अंधाधुंध हो रही है। अंग्रेज जमाने तो पेड़ पौधे की कटाई करवाते गए। समझ में आ? तो कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन क्या था, उत्तराखंड की महिलाएं पेड़ पौधे की बचाव के लिए वो अपने जान देने लगी, पेड़ से चिपकने लगी। इसी को चिपको आंदोलन, चिपको मतलब चिपक जाना। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। चिपकी तो महिलाएं थी लेकिन इसका नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। ये घटना कहां थी? उत्तराखंड की थी। कहां की थी? उत्तराखंड की थी। वहां की महिलाएं पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ के कटाव को रोकने के लिए पेड़ से चिपक जा रही थी। नहीं हम नहीं काटने देंगे भैया, हम नहीं काटने देंगे। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। यानी चिपको आंदोलन का प्रणेता किनको कहते हैं? चिपको सुंदरलाल बहुगुणा को कही जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई ना? चलो तो इसका ऑप्शन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से, शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में। तो पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ऐसे ही होगा।